यह कहानी है उनके लिए जो अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वह कुछ करने से पहले ऊंचाइयों को देखकर डर जाते हैं। यह कहानी आपको हिम्मत देगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक तालाब था। तालाब के बीच में एक खंभा था। उस तालाब में सैकड़ों मेंढकों का एक दल हुआ करता था। एक दिन सभी मेंढकों के मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम में से किसी एक को राजा बना दिया जाए। तभी एक मेंढक ने कहा, हम इस लोहे के पाइप पर चढ़ेंगे और जो उस पाइप के टॉप पर चढ़ जाएगा वह हम सबका राजा कहलाएगा। और सभी मेंढकों को यह आइडिया अच्छा लगा। सभी मेंढकों के पास एक राजा बनने का अच्छा मौका था और सभी ने अपनी अपनी किस्मत आजमाई। और मेंढक चढ़ते और गिर जाते और कुछ देर बाद यह देखा गया कि सभी मेंढक यह समझकर बैठ गए थे कि हम इस पाइप पर नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन एक मेंढक ऐसा भी था जो लगातार कोशिश किए जा रहा था और बाकी के मेंढक उसे बार बार बोल के परेशान किए जा रहे थे कि रहने दो, इस पाइप पर चढ़ना आसान नहीं है। कि उस मेंढक को हजारों बार बोला गया कि तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन वह हजारों बार गिरकर वह उठा, फिर गिरा, फिर उठा। उन सब मेंढकों के लाख मना करने के बाद भी आखिरकार वह मेंढक उस पाइप के टॉप पर चढ़ गया। तभी बाकी मेंढकों ने पूछा, तुमको इतना मना करने के बाद भी तुम हार नहीं माने, क्या कारण है? तभी पीछे से आवाज आई कि यह बहरा है, इससे कुछ मत पूछो। दोस्तों, लोगों का काम है गिराना, लेकिन अपना काम है कि उन्हीं के सामने सफल होकर दिखाना। इसीलिए कहते हैं लोग, सफलता के लिए बहरापन जरूरी है।